तो अब आपको मिलाते हैं जी दूल्हे राजा से, जो कि बग्घी पर बैठे हुए हैं। वहाँ है दूल्हे राजा और साथ में छोटा सा नन्हे दूल्हा। तो यहाँ रवि भाई आ गए हैं और दूल्हे को जो है उठा करके लेके आना है, और जो दूल्हे को उठाने का रस्म होता है वो साली साहब ये उठा करके लाते हैं। तो रवि भाई का देखते हैं दम। देख सकते हैं जी यहाँ पर हम लोगों के ऊपर परफ्यूम की बारिश हो रही है। तो लड़के वाले आ चुके हैं जी, तो सभी लोग को यहाँ पर भूख लग गई है और हम लोग चल रहे हैं कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारी बहन है जी वो जाने वाली है स्टेज की तरफ। यहाँ पर जो है दुल्हनी आने वाली है और सभी भाई लोग को लेकर के आ रहे हैं। मेरे साथ पहले इंतजार कर रहे हैं कनिका जी के देने का, फिर हम लोग चलेंगे वहाँ पर। हम लोग जो है कार्तिक के लिए कुछ ड्रेस लेकर के आए हुए थे। तो यहाँ पर ये हो रही है जिया की विदाई। और भाई साहब वो सामने कैमरा टर्न हुए हैं, उनके सामने हम कैमरा टर्न दिए हैं। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं जी सीधा अंदर, और यहाँ से जो है सारा संदेश जो है जा रहा है, और बारात के बारे में मालूम चला है कि बारात जो है कुछ ही देर में पहुँचने वाली है। भाई बारात आ गई क्या? हाँ बारात आ चुकी है। क्या जनभाषा पे? अभी बारात रेडी हो रही है। रेडी हो रही है, वहाँ पहुँच गए स्कूल पे। 26 सेकंड पे स्कूल इधर है। अच्छा, और मंदिर यहाँ पे है, इधर से आएगा और स्कूल में जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो रेडी होने के लिए रूम है वहाँ पर? ऑर्केस्ट्रा वहीं आएगा। ऑर्केस्ट्रा वहीं पर आएगा। ऑर्केस्ट्रा वो अपने गाड़ी में तैयार हो जाएंगे। गाड़ी में तैयार हो जाएंगे। अच्छा गाड़ी में तैयार हो रहे हो। ओके ओके। तो सभी लोग जो है संदेश लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं, और देख सकते हैं जी जो शादी का एक सहनाई का म्यूजिक होता है वो चल रहा है। पंडित जी भी यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं और सारा संदेश जो है यहाँ पर रखा जा रहा है। रख दीजिए। तो जिया को लगी है प्यास, इसके लिए देख रहे हैं पानी का इंतजाम। पानी इधर है तो जिया पी ले यहीं पे। तो यहाँ पर जी बारात सब जो है जस्ट आ ही रहे, देख सकते हैं जी सामने आ गया ट्रैक्टर और भाई साहब वो टैलेंट देखो। तो हम लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। और क्या, और क्या। तो देख सकते हैं यहाँ पर बम को जो है जलाया जा रहा है, सभी पटाखे में एक्सपर्ट है। भाई साहब हट जा भाई। अरे भाई बच के बच के बच के, ये देखो ओ भाई साहब जबरदस्त। तो सारे बारात वाले आ चुके हैं जी, देख सकते हैं सामने जनरेटर का व्यवस्था, पीछे डीजे और पीछे सारी गाड़ी, तो देख सकते हैं। तो चलिए सभी से आप लोगों को मुलाकात करवाते हैं। तो अब आपको मिलाते हैं जी दूल्हे राजा से, जो कि बग्घी पर बैठे हुए हैं। वहाँ है दूल्हे राजा और साथ में छोटा सा नन्हे दूल्हा। जी हाँ, एक रिवाज यह भी है दूल्हा के साथ जो है नन्हा दूल्हा भी रहता है हमारे यहाँ। तो ये रहे हमारे दूल्हे राजा, देख सकते हैं दूल्हे राजा जो है अभी गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं। जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ इस सिचुएशन को, हम भी इस स्टेज से गुजर चुके हैं। दूल्हे राजा को तो अभी हमने रिवील कर दिया है, लेकिन कुछ देर बाद जो है जयमाल होगा, तो उसमें आप लोग देखेंगे दूल्हे राजा को अच्छे से। और जयमाल का कार्यक्रम भी होने वाला है, और आगे चल रहा है जी डीजे का कार्यक्रम, नाच गाना, पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए, एकदम जश्न का माहौल है, एकदम सभी लोग उल्लास में और सभी लोग मजे से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। तो यहाँ रवि भाई आ गए हैं और दूल्हे को जो है उठा करके लेके आना है, और जो दूल्हे को उठाने का रस्म होता है वो साली साहब ये उठा करके लाते हैं। yes! तो रवि भाई का देखते हैं दम। ओए तो रवि भाई उठा करके लाएंगे भाई, रवि भाई के सपोर्ट में रहना है आपको, ठीक है? हम तो सपोर्ट के लायक नहीं है। लेना वो है बगल में भाई है बस, ठीक है? जहाँ पे दूल्हे भाई को हमारा रवि भाई उठाने वाला है, भाई के रस्म होते दूल्हे भाई को उठा के स्टेज तक ले जाने की है। बस 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 दूल्हे भाई तो आग लगा दी, आग लगा दी। चलो चलो भाई, आराम से आराम से भाई, आप सपोर्ट में रहना, सपोर्ट में रहना, अगर गिरने लगे तो आप पकड़ लेना पीछे से।
ओ भाई साहब, तो आप दुल्हे राजा जो है जा रहे हैं स्टेज पे, ठीक है? ओ भाई साहब, यहाँ से जयमाल होने वाला है, जयमाल होगा, ठीक है ठीक है। और देख सकते हैं जी, यहाँ पर हम लोगों के ऊपर परफ्यूम की बारिश हो रही है। ओ भाई साहब, चलिए चलिए चलिए, बड़ी 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 ऊपर ऊपर, आराम से आराम से। तो अभी भाई जा रहे हैं ऊपर, चढ़ा लेंगे आप, आगे आ जाओ। ओ भाई साहब, जंग जीत ली, जंग जीत ली। लड़के दम है, दम दम। तो रवि भाई बैठ गए दूल्हे राजा के साथ, और यहाँ पर जो है तिलक होने वाला है, देख सकते हैं पंडित जी भी सामने बैठे हुए हैं। जो भी रस्म होगा वो सब कुछ किया जा रहा है। जाहिर सी बात है जी, एक यह खास लम्हा है, कैद तो करना है ही कैमरे में, तो कैमरा मैन भी मौजूद है और हम सभी लोग मौजूद है, जो आप सभी को जो इस खास लम्हे को कैप्चर करके दिखा रहे हैं। तो भाई साहब बाल जबरदस्त है एकदम, दिख रहे हैं एकदम, जेल सी भी सवाल न बनेगा। तो लड़की वाले आ चुके हैं जी, और देख सकते हैं दूल्हे राजा जो है स्टेज पर है, जैसा कि आपने कुछ देर पहले देखा। और हम लोग जो है यहाँ पर आ गए हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, और जो दुल्हन है वो यहाँ से जाएगी स्टेज की तरफ, तो हम लोग जो है दुल्हन के साथ ही स्टेज पर जाएंगे। फिलहाल थोड़ा सा जो है रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, क्योंकि हमारा गला भी बहुत अच्छा खासा सूख गया है। हाँ, पावर बैंक यहाँ पर लगा हुआ है, साथ में चार्ज भी हो रहा है और रिकॉर्ड भी चल रहा है साथ में। तो उसके बाद जो है जयमाल का कार्यक्रम कब है? एक घंटा बाद है जयमाल कार्यक्रम। तो हम लोग के यहाँ होता क्या है कि तिलक हम लोग के यहाँ पहले हो जाता है, मेरे आगे होता है। अच्छा, यहाँ पर तिलक शादी के दिन ही होता है, तिलक लेके हाँ लोग बारात लेके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ तिलक डबल एंजॉयमेंट हो जाता है। बिल्कुल, हम वहाँ जाके एंजॉय करके आएंगे, वो लोग यहाँ के एंजॉय करेंगे। तो टाइम उतना ही ले लेता है यहाँ भी पूजा का? उतना नहीं। अच्छा, यहाँ नहीं होता, मान चलिए कि एक रात एक दिन बीत जाता है तिलक में भी ना। अच्छा, तो ठीक है जी, तो अलग अलग कल्चर है यहाँ पर, अलग अलग किलोमीटर पर जो अलग अलग रस्म रीति रिवाज आप लोग को दिखेगा। तो सभी लोग को यहाँ पर भूख लग गई है, और हम लोग चल रहे हैं कुछ खाने के लिए, गोलगप्पे खाना है। तो सभी का अभी जो है एक च्वाइस है गोलगप्पा का, तो चलते हैं गोलगप्पा जा करके खाते हैं। उसी वहाँ पे भीड़ होगी बहुत ज्यादा, उस भीड़ में से खाना पड़ेगा। कोई बात है, उस भीड़ में खाने का मजा ही कुछ अलग है ना। तो हम लोग चलते हैं जी सीधा, खाते हैं गोलगप्पा। भैया डांस करते करते खिला रहे हैं एकदम, भाई डांस करते करते प्लेट दे दो एक। ओ भाई, ताकि खाने का पता ना चले कितना खाया है ना। तो यहाँ पर जो हमारी बहन है जी, वो जाने वाली है स्टेज की तरफ। तो देख सकते हैं सभी भाई लोग जो है इस ओढ़नी को जो है पकड़े हुए हैं, और इस ओढ़नी के भीतर ही उनको जाना है। साथ में कनिका जी भी आ गई है, तो सभी लोग चलेंगे अब स्टेज पे। मिस्टर भाई, हाथ में क्या हुआ? दर्द हो रहा है। चादर ताने भाई के हाथ खराब हो गए। ओ भाई, स्कूल में पनिशमेंट लेते थे ना, तब हाथ ऊपर करते थे। बिल्कुल, यहाँ पर जो है दुल्हनिया आने वाली है, सभी भाई लोग को लेकर के आ रहे हैं। तो भाई के साथ भाभी जी भी है, अच्छे आ चुके हैं, और स्टेज ठीक जो है समीप ही है। तो सभी लोग यहाँ पर आएंगे, मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो सभी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, जाइए जाइए आप लोग। तो यहाँ पर सारे भाई लोग जो है लेकर के जा रहे हैं अपनी बहनिया को स्टेज पर। सूरत हो बात दिल की सुनो, तुम खूबसूरत हो, तुम सी ही तुम रहो, तुम खूबसूरत हो। इंग्लिश तुम के रे मारे दीवाने, तू चुन चुन के रे देसी है झुमके, इंग्लिश तुम के रे मारे दीवाने, तू चुन चुन के रे। मिस्टी कर रही है आरती।
गोइल जयमाल का कार्यक्रम हो गया जी, डांस का कार्यक्रम भी हो गया और आरती सब भी हो गई। इसके बाद अब बारी है, जितने भी लोग गिफ्ट लेकर के आए हैं सभी लोग गिफ्ट लेकर के जो है दूल्हे और दुल्हनिया को देंगे। तो हमारा गिफ्ट जो है यहाँ पर मौजूद है, पहले इंतजार कर रहे हैं कनिका जी के देने का, फिर हम लोग चलेंगे वहाँ पर। देखिए चले बढ़िया हमारा जो गिफ्ट देना था जी वह तो हमने दे दिया और साथ में जो रिटर्न गिफ्ट भी हमें मिल गया और अब बारी है मिथुन भाई की। तो मिथुन भाई अपना वही तैयारी में है, फुल तैयारी में है, नंबर लगा दिया है। ठीक है, तो इनका नंबर जब आएगा तो ये लोग जाएंगे वहाँ पर। One hour later. जयमाल हो गया जी, हमारा पेट पूजा हो गया और उसके बाद जो है अब हम लोग जो है कुछ ही देर में सोएंगे और एक दो घंटा आराम करके जो है हम लोग निकल लेंगे घर की तरफ। प्रियांश की बहुत ज्यादा याद आ रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ पहले कि प्रियांश को लगभग दो दिन के लिए हम लोग छोड़ करके आए हुए हैं। तो हम लोग जाएंगे वहाँ पर, मैं पंखा को बंद कर देता हूँ ताकि आवाज जो है पूरा क्लियर आए। हम लोग जो है कार्तिक के लिए कुछ ड्रेस लेकर के आए हुए थे, तो यह जो है ड्रेस लेकर के चलते हैं। गिफ्ट तो हमने वहीं पे दे दिया ना। हाँ, जो दूल्हे दुल्हन सबका गिफ्ट सब था वो सब तो हमने दे दिया। मेरे मुंह में चुंगियों में जी, मैं वो चबा रहा हूँ। इससे पहले की कुछ कमेंट आ जाएगी मुंह में क्या रखा है अपने। तो ठीक है चलते हैं, देते हैं गिफ्ट। The next day. शादी का समारोह तो हो गया जी संपन्न और अभी भाई की बहन जो है हो गई है विदा और उनकी विदाई के साथ जो है बारी है हमारी भी विदाई की, क्योंकि हम लोग जो है निकलेंगे यहाँ से तो लगभग 10 घंटे का सफर है, शाम तक आराम से पहुँच जाएंगे। लड़की की शादी में सब नहीं चलता है। तो यहाँ पर ये हो रही है जिया की विदाई, जिया की विदाई हो रही है और क्या, जो प्यार से दो वही पसंद है और क्या। ठीक है आंटी जी चलते हैं, कभी मौका मिले तो आइए उधर भी, है ना खुशरा बाबू। चले हम लोग अब यहाँ चलते हैं जी, गाड़ी लगी हुई है उधर, बाकी कपल लाइव ब्लॉग्स यहाँ से भी देख सकते हैं मिथुन भाई और काजल जी। अच्छा कोई नहीं, आप आइए कटिहार, अब मुलाकात अब यहाँ हुआ, एक बार मुलाकात कटिहार में कीजिए। ठीक है कभी मौका मिले दार्जिलिंग सब घूमना हो तो कटिहार होके रास्ता है। सीसा वाला नहीं, वो है राजगीर, राजगीर दार्जिलिंग हो गया पहाड़ वाला क्षेत्र सब न, दार्जिलिंग गैंगटॉक ये सब।